हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हमारी चल रही है, 8 पार्ट मेरे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा 9वां पार्ट है, रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियाँ। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है रिवर्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की जो मेरी सीरीज आ रही है, आप देखिए, बिल्कुल ऐसे तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज किया हूँ वीडियोज़ को, कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और ये वीडियोज़ आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो दोस्तों, UPSC से लेके स्टेट सर्विसेज से लेके CGL, CPO, रेलवे, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए। लेक्चर 1 आप जब देखेंगे, हमारा पार्ट 1 जब देखेंगे, उसमें ही आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक ही वीडियोज़ में सारे कंटेंट आपको मिल जा रहे हैं। और जो RRB NTPC की परीक्षा आने वाली है, उसके लिए भी इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियाँ। वाट इज ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रणाली दोस्तों किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज, एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, किसी एक चैनल से, ये मान लो एक चैनल है, ओके फ्रेंड्स, एक नाली है, सब ऐसे समझो नाली है, उस नाली से पानी जा रहा है, बड़ी नाली को तो नदी कहेंगे। तो इस चैनल से जब पानी जा रहा है तो उसे बोलते हैं ड्रेनेज। और जब कई नेटवर्क ऑफ चैनल्स आपस में कनेक्ट हों, ओके फ्रेंड्स, ये कनेक्ट है, इसकी ये कनेक्ट है, ऐसे ऐसे कनेक्ट हों, है ना, और ये एक में जैसे इसकी नदियां हैं और ये अलग अलग चैनल्स इससे कनेक्ट हैं, तो इन पूरे नेटवर्क ऑफ चैनल्स को कहते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना आप लोग? जैसे ये देखिए, ये एक ड्रेनेज है, ये एक ड्रेनेज है, और ये फिर दोनों कनेक्ट होकर एक बन जा रहे हैं, तो ये पूरे सिस्टम को कहेंगे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम। एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। देखिए, कोई एरिया है, वहाँ से कोई नदी जा रही है, तो है ना, और उस नदी की ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? वो नदी, छोटी नदियाँ जो एक मेन नदी में आके मिलती है, उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। समझ में आया? जैसे मान लो ये है, ये देखिए, ये छोटी नदियाँ हैं, मेन नदी ये है आपकी, और छोटी नदियाँ इस मेन नदी में आके मिल रही हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरी। तो वो एरिया जहाँ जहाँ से नदियाँ ये होके गुजरती हैं, ओके फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं उसका ड्रेनेज बेसिन। क्या कहते हैं हम लोग उसे? उसका ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जैसे देखिए, ये नदी है, इस एरिया से होके गुजर रही है, तो इन नदियों का जो ड्रेनेज बेसिन है वो ये है, क्योंकि ये एरियाज को ये ड्रेन कर रही है, यहाँ के एरियाज को उससे पानी मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, चाहे वो इरीगेशन संबंधित हो, चाहे वो कुछ भी संबंधित हो। वट इज़ पेरिनियल एंड सीजनल रिवर? देखिए, इस नदी को स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्सेप्ट से बेसिक टर्म्स होते हैं वो आपको जाना जरूरी है, ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे ज्योग्राफी का, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। देखिए, बारहमासी और मौसमी नदियाँ क्या होती हैं? पेरिनियल रिवर्स मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट दी ईयर। जिन नदियों में पानी पूरे साल रहता है, भरा रहता है उसी क्वांटिटी में, उसे हम कहते हैं बारहमासी नदियाँ या पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। क्योंकि ऐसी नदियाँ जो होती हैं, ज़्यादातर पेरिनियल रिवर्स, वो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, तो उनमें जो पानी आता है बारहमासी नदियों में, वो हिमालय की बर्फ़ के पिघलने से भी आता है और बारिश की वजह से भी आता है। तो इसीलिए ये नदियाँ जो है पूरे 12 मासों जो है ये नदियाँ भरी रहती हैं। सीजनल रिवर्स किसे कहते हैं? वो रिवर्स जो केवल बारिश पर डिपेंड करें, वो हिमालय से नहीं निकलती हैं, वो नदियाँ जो केवल बारिश पर डिपेंड करती हैं, उसे हम कहते हैं मौसमी नदियाँ। ऐसी नदियाँ जब मान लो बारिश नहीं होती है, तो ऐसी नदियाँ सूख जाती हैं। जैसे कि आपके जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स है दोस्तों, जितने नीचे वाले रिवर्स हैं इंडिया के, जो नीचे पूरा मैंने आपको पढ़ाया था पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ जो नदियाँ फ्लो करती हैं, चाहे वो नर्मदा हो, ताप्ती हो, गोदावरी, कृष्णा वगैरह, ये सब क्या है? सीजनल रिवर्स हैं। और जितनी आपकी जो है पेरिनियल, जैसे आपकी जो हिमालय की रिवर्स बताएंगे अभी, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, वो सब नदियाँ जो है ये मासी नदियां हैं, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं। दोस्तों, वाटर डिवाइड क्या होता है? जल विभाजक क्या होता है? एन एलिवेटेड एरिया लाइक माउंटेन विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। देखिए, एक ड्रेनेज बेसिन ये है, ड्रेनेज बेसिन मतलब क्या है? बता चुका हूँ, वो एरिया जहाँ से कोई नदी गुजर रही हो और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी गुजर रही हो, तो उस पूरे एरिया को कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो एक ड्रेनेज बेसिन ये है और एक ड्रेनेज बेसिन ये है, ये दोनों क्या है, इनके बीच में मान लो माउंटेन है, तो क्या है, ये माउंटेन इन दोनों ड्रेनेज बेसिन को आपस में डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे माउंटेन को वाटर डिवाइड, सिंपल।
दुनिया का जो सबसे बड़ा ड्रेन बेसिन दोस्तों वो अमेजन रिवर द्वारा बनाया था। अमेजन रिवर जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेन बेसिन है। दोस्तों जॉर्ज क्या होता है, देखिए, अ नैरो वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स टिपिकली विद स्टीपी रॉक्स वॉल एंड स्ट्रीम रनिंग थ्रू इट। देखिए सिंपल हिंदी वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, देखिए बिल्कुल सिंपल इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए दो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, है ना, दो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, यूँ एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है और ये एक पहाड़ी है, इनके बीच में देखिए क्या है, एक वैली घाटी बन गई। तो इन घाटी से क्या हुआ है, नदियाँ होकर फ्लो करती हैं, तो इन घाटी को बोलते हैं जॉर्ज। तो दो हिल या दो माउंटेन के बीच में जो एक डीप चैनल बन जाता है उसे हम बोलते हैं जॉर्ज। देखिए यहाँ पर ये मैंने फिगर ले आया, पर दो पहाड़ियों के बीच में देखिए एक चैनल है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों जॉर्ज। ओके फ्रेंड्स, मिएंडर क्या होता है, देखिए मिएंडर बेसिकली क्या होता है, अ मिएंडर इज अ वाइंडिंग कर्व ऑफ बेंड इन अ रिवर। जब नदियाँ प्लेन में, है ना, जब नदियाँ प्लेन में फ्लो करती हैं तो वो क्या होता है, आप देखेंगे नदियाँ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी फ्लो करती हैं, तो जो नदियाँ जो टेढ़ी मेढ़ी फ्लो करती हैं इसी को हम कहते हैं दोस्तों मिएंडर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मिएंडर। ऐसा होता क्या है, क्यों है, क्योंकि जब नदियाँ फ्लो करती हैं तो वो क्या करती हैं, मिट्टी को धीरे धीरे खसकाती रहती है, सॉयल का इरोजन करती रहती है, बता चुका हूँ सॉयल इरोजन क्या होता है, मिट्टी को काटती रहती हैं, तो इसीलिए उनका चैनल जो है वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो यूँ जो पाथ ऐसे जो है चेंज होता रहता है, इसे दोस्तों बोलते हैं हम लोग मिएंडर। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया ना आप लोग, साइड बाय साइड क्या होता है, वो मिट्टी को काटती रहती है, तो इसीलिए इनका पाथ जो है वो चेंज होता रहता है ऐसे। व्हाट इज ऑक्स बो लेक, दोस्तों ऑक्स बो लेक किसे कहते हैं, देखिए सपोज सिंपल तरीके समझिए, एन ऑक्स बो लेक इज अ यू शेप्ड लेक दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइड मीएंडर ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। सपोज करिए, देखिए दोस्तों ये मीएंडर ऐसे होता है, मीएंडर है ना, अब नदी मान लो इसको देखिएगा, ये सपोज करिए ये ऐसे मीएंडर बना इस पोजीशन पे, अब होता क्या है कि नदी जो है इस पोजीशन पे मट्टी को काटती रहती है, यहाँ वाली पे, तो मट्टी काटेगी तो क्या होगा, ये नदी ऐसे ऐसे आके मिलने लगी, देखिए यहाँ क्या हुआ, ये मिलने लगी, इससे क्या होगा, जो एक समय आके ये मिल जाएगी और ये पोर्शन दोस्तों अलग हो जाएगा इससे, तो ये जो पोर्शन जो अलग हो गया इसे बोलते हैं ऑक्स बो लेक। देखिए ये फोटो खींचा गया है, देखिए ये नदी है और ये नदी है, दिख रहा है आपको, और ये ऑक्स बो लेक इससे कैसे कट गया, तो इसे बोलते हैं यू शेप का जो लेक अलग से बन जाती है, जो कट हो जाता है नदी से, उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्स बो लेक। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, बहुत देखो चीज़ों को समझिए, ज्योग्राफी को समझिए। ओके फ्रेंड्स, तो इन सब टर्म को आपको जाना जरूरी है ज्योग्राफी पढ़ने से पहले। रिवर डेल्टा क्या होता है, देखिए अ रिवर डेल्टा आपने पढ़ा होगा, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो डेल्टा होता क्या है, अ रिवर डेल्टा इज अ सेक्शन ऑफ रिवर दैट सेपरेट्स इनटू चैनल्स एज इट इंटर्स अनदर बॉडी ऑफ वाटर। देखिए होता क्या है, जब कोई नदी किसी बड़े बॉडी ऑफ वाटर से मिलने वाली होती है, ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है वो टूटने लगती है, होता क्या है कि अलग, देखिए ये नदी में आ रही थी और ये टूटने लगी, अलग अलग जो है इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये टूट रही है नदियाँ इसे ही हम बोलते हैं डेल्टा। तो इस एरिया में होता क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो जब अपने साथ ढेर सारी मिट्टी लेके आती हैं, तो लोअर पोर्शन में क्या होता है, उनकी स्पीड जो होती है नदियों की वो स्लो हो जाती है भाई, जब वो नदियाँ समुद्र से मिलने वाली होती हैं तो वो नदियाँ क्या होती हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने के कारण होता क्या है कि जो नदियाँ मट्टी वट्टी लेके आ रही हैं तो उससे क्या होता है, मट्टी वट्टी बीच में आ जाती है, तो मट्टी के बीच में आने से क्या होता है, नदियाँ डिवाइड हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, मट्टियों के बीच में आने से क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं, ऐसी नदी आ रही है तो नदी डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर मट्टी आ जाती है, बैठ जाती है, उनकी स्पीड भी स्लो हो जाती है इस पोजिशन पर, और यहाँ ये समंदर होता है और ये ऐसे आके मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों है वो नॉर्थ अमेरिका में है, मिसिसिपी डेल्टा, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे देश का सुंदरबन डेल्टा है वो भी वो बड़ा डेल्टा माना जाता है, लेकिन एक कई लोग क्लेम करते हैं नॉर्थ अमेरिका में जो मिसिसिपी डेल्टा है वो लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है, और सुंदरबन डेल्टा भी इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाया जाता है। दोस्तों ईश्वरी क्या होता है, देखिए
हमारे इंडिया में जो दोस्तों क्या होता है, जो हमारा जो वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, जैसे हमारा ये इंडिया है सपोज करो, ये गुजरात है, यूं ऐसे है इंडिया, तो जो इतनी जितनी रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है बे या बंगाल की तरफ, वो सब दोस्तों क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जितनी भी नदियाँ हमारी दोस्तों ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है ना, अरेबियन सी की तरफ, जैसे नर्मदा ताप्ती, वो सब क्या बनाती हैं, ईश्वरी बनाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके फ्रेंड्स, ये सब बता भी देंगे, आगे बता देंगे जब आपको पढ़ाएंगे नदियाँ। देखिए, ईश्वरीज आर बॉडीज ऑफ वाटर अलॉन्ग द कोस्ट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स फ्लो इनटू एंड मिक्सेस विद द साल्ट वाटर फ्रॉम ओशन। देखिए दोस्तों, ये सब क्या है, अरेबियन सी है, मतलब अरेबियन सी है, एक समुद्र है। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा। जब खारा पानी नदियों के साफ पानी से मिलने के तरफ होता है, तो उस जगह क्या फॉर्म होता है, ईश्वरी। ये देखिए दोस्तों, ये साल्ट वाटर है, ये फ्रेश वाटर है, तो इसके बीच में देखिए क्या हो गया, ब्रैकिश बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर, तो यहाँ जो फॉर्म होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं ईश्वरीज। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया आपको ईश्वरीज क्या होता है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, ईश्वरीज, मतलब कि साफ नदी जब ओशन से मिलने वाली होती है खारे पानी से, तो ये बीच के पोर्शन को जो बनता है उसे बोलते हैं हम लोग ईश्वरी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र। देखिए, जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स जो इंडिया के साउथ इंडिया रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर्स में दोस्तों एंटीसीडेंट रिवर आती है, जो कि हिमालय के बनने से पहले फ्लो कर रही थी, और एक होती है नॉन एंटीसीडेंट रिवर, जो कि जंगर देने वाला, जो कि हिमालय के बनने के बाद फ्लो कर रही। ओके फ्रेंड्स, तो दो तरीके की रिवर होती हैं। पेनिनसुलर इंडिया में भी दो तरीके की रिवर डिवाइड होती हैं, एक होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और एक होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में जानते ही हैं आप लोग, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह जाएंगी, पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको जैसे नर्मदा और ताप्ती। ओके फ्रेंड्स, अब आता है फ्रेंड्स हिमालयन रिवर्स। ओके फ्रेंड्स, हिमालयन रिवर्स में जैसे कि इंदस रिवर आपका हो गया, गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, है ना, और रिवर और जब उनकी ट्रिब्यूटरीज को मिला देते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिवर सिस्टम। जैसे कोई रिवर है और ट्रिब्यूटरीज बताया, जो छोटी नदी जो मेन नदी से आके मिलती है उसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो रिवर है और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है, इनको मिला के हम दोस्तों बोलते हैं रिवर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, इंदस रिवर्स जो होती है, जिसको हम लोग लोकल में सिंधु नदी बोलते हैं, ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर्स में आती है, मतलब काफ़ी लंबी नदी है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये निकलती कहाँ है, तिब्बतन प्लेटू से निकलती है, मतलब मानसरोवर लेक तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। देखिए, हिमालय से नहीं निकलती है, तो ये हिमालय वाइड रिवर नहीं, मतलब हिमालय से ओरिजिनेट नहीं हो रही, तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट हो रही है दोस्तों, इसीलिए एंटीसीडेंट रिवर मानी जाती है। एंटीसीडेंट रिवर क्या है, ये हिमालय से ओल्डर है, एंटीसीडेंट रिवर ये मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि ये एंटीसीडेंट रिवर है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है, देखिए ये जब इंडिया में आती है तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में घुसती है, मतलब कि जब तिब्बत से आती है तो कहाँ आती है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में। केवल जो ये इंदस रिवर है, ये जम्मू कश्मीर में ही फ्लो करती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये नदी क्या होता है, द रिवर फ्लोज थ्रू गिलगित एंड बलिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड देन मूव साउदर्ली डायरेक्शन अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ पाकिस्तान टू मर्ज इन टू अरेबियन सी नियर द पोर्ट ऑफ कराची इन सिंध। होता क्या है, जम्मू कश्मीर में ये आती है, जम्मू कश्मीर में होकर पाकिस्तान में चली जाती है, समझिए बात को, ये हमारा इंडिया है, ऐसे है हमारा, ये है हमारा वो जम्मू कश्मीर, तो ऐसे जम्मू कश्मीर में आती है, जम्मू कश्मीर में ये पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान से फिर नीचे साउथ होते होते ये जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी मानी जाती है। देखिए, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज दोस्तों हैं, राइट बैंड ट्रिब्यूटरी, मतलब ये नदी मान लो फ्लो कर रही है, इसे है ना इंदस नदी, जितनी राइट नदी के राइट साइड, जिस तरह नदी का फ्लो है उसके राइट साइड में जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसे हम बोलते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज, और जो लेफ्ट साइड से आती हैं उसे हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जो इसके दोस्तों राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो नदी के राइट में बढ़ रही हैं, वो कौन सी हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, शोक पूछ लेता है एग्जाम में कभी, शोक, गिलगित, काबुल, गोमाल और कुर्रम, दोस्तों ये जो नदियाँ हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जस्कर जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। जितनी भी ये मैंने इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी बताई, ये हिमालय के रीजन में आती हैं। देखिए, और कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जस्कर तो है ये, लेकिन ये हिमालय में है। पांच ऐसी नदियां हैं जो कि प्लेन में हैं। ओके फ्रेंड्स, किस में है, प्लेन में है, जो कि इंदस की ट्रिब्यूटरीज ही मानी जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये इंदस है, उसके पाँच ट्रिब्यूटरीज जो है लेफ्ट से आ रही हैं।
वो जो लेफ्ट में ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं पांच नदियां, चेनाब, झेलम, रावी, बीस और सतलज। ये पांच नदियां मिलके पंजाब बनाती हैं, पंजाब में पांचों नदियां फ्लो करती हैं। तो ये पांचों जो नदियां हैं ये इंडस रिवर की ही लेफ्ट में ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। और लेकिन ये अंतर क्या है, ये प्लेन में आती हैं और जस्कर क्या है, ये हिमालय की नदियाँ हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, देखिए मेन नदी इंदस की ये आ रही, देखिए ये क्या है, मेन नदी इंदस की है। देखिए इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखिए दोस्तों, जस्कर क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखिए ये जस्कर लिखा है, जस्कर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। शोक देखिए राइट में है, गिलगित राइट में है, ओके फ्रेंड्स, काबुल राइट में है, कुर्रम राइट में है और गोमाल भी राइट में है। तो ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और मैंने बताया जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखिए कौन कौन सी है, सबसे ऊपर झेलम है, फिर चेनाब है, रावी है, ओके फ्रेंड्स, ये 20 आ रही है और 70 आ रही है। बता देंगे अभी अल्लाह सब सबके बारे में, परेशान मत होइए आप लोग। अगर आप ये देखें ध्यान से तो जो अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करें दोस्तों, तो सबसे वेस्ट में कौन सी नदी है, अगर पांचों नदी बात करें तो सबसे वेस्ट में झेलम, उसके बाद कौन सी है, चेनाब, उसके बाद कौन सी है दोस्तों बताइए, उसके बाद है आपकी रावी, उसके बाद 20, उसके बाद सतलज। तो कभी अगर ऑर्डर करने को आता है कि ईस्ट वेस्ट इसको ऑर्डर करिए ऐसे ऐसे करिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए कौन सी है, देखिए राइट पेंट्रीब्यूटी गिलगित है, श्योक है, काबुल है, है ना, कुर्रम है, और ये देखिए गोमाल है, लेफ्ट में देखिए जस्कर है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग झेलम के बारे में। देखिए झेलम ये इंदस नदी, इंदस रिवर की ही नदी है, सबसे वेस्ट में आती है पाँचों नदियों के, कश्मीर वैली से ही फ्लो करती है। देखिए ये नदी जो है केवल कश्मीर से ही फ्लो करती है झेलम। ओके फ्रेंड्स, कश्मीर से फ्लो करते हुए डायरेक्टली पाकिस्तान में चली जाती है। कभी क्वेश्चन में आता है कि ये झेलम नदी किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, तो केवल केवल जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। रिवर झेलम निकलती कहाँ से दोस्तों, ये बेसिकली क्या है, पीर पंजल जो माउंटेन है जो कि कश्मीर घाटी में पड़ता है, वहाँ पर एक वेरी नाग स्प्रिंग है, तो वहीं से ये झेलम नदी निकलती है। ओके फ्रेंड्स, ये श्रीनगर में फ्लो करती है और वुलर लेक जो है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में। ओके फ्रेंड्स, तो ये वुलर लेक से भी होके गुजरती है। रिवर झेलम जो है चेनाब से मिल जाती है, कहाँ पर, पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान का एक बैराज है ट्रिमू बैराज, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जैंग के अंदर पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ पर रिवर झेलम चेनाब से मिल जाती है। अगर देखें आप, ये देखिए चेनाब आ रही है, चेनाब झेलम और चेनाब ये आ रही है, तो चेनाब और झेलम ये दोस्तों ये जो इस पॉइंट पे मिले हैं ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं चेनाब के बारे में। चेनाब भी देखिए इंदस नदी की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पीति डिस्ट्रिक्ट और लाहौल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से निकलती है, फिर ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है। मतलब कि इंडिया के दो स्टेट से गुजरती है, एक है आपका हिमाचल प्रदेश और एक है आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, चेनाब का जो पानी है पाकिस्तान जो पाकिस्तान को एलोकेट है किस ट्रिटी के अंदर, इंदस वाटर ट्रिटी के अंदर। अभी बताएंगे इस ट्रिटी के बारे में, पैसा मत होइए। चेनाब नदी ये सतलज से मिलती है, है ना, और कहाँ मिलती है दोस्तों, सतलज से मिलकर कौन सी नदी पाकिस्तान में मिलती है, और जो बाद इसको कहते हैं पंचनाद नदी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ध्यान से मैं दिखाऊँ आपको, देखिए ये चेनाब आ रही है, चेनाब और ये सतलज आ रही है। तो चेनाब और सतलज जब मिलती हैं तो इसके जो आगे के नदी बोलते हैं ये मन जाती है पंचनाद नदी, जो कि पाकिस्तान में बोलता है पंचनाद नदी। तो चेनाब और सतलज भी पाकिस्तान में जाके मिलती है पंचनाद नदी, और भी ये पंचनाद जो है इंदस में जाके मिल जाती है। तो झेलम फिर पहले चेनाब से मिलती है, फिर चेनाब आगे जाती है, यहाँ से सतलज आ रही है, सतलज और चेनाब मिलके इसे पंचनाद बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अब आता है फ्रेंड्स रावी। रावी क्या है, देखिए रावी भी जो है इंडिया और पाकिस्तान की ही मतलब इंडिया इंदस नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इंदस और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। अगर आप गौर करें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये रावी नदी है। रावी नदी जो आप देखेंगे ना, तो यहाँ से निकलती, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन इंडिया और पाकिस्तान का एक जगह का बॉर्डर भी बनाती है। आप अगर भी गौर करेंगे, देखिए ये रावी देख रहे हैं, ये रावी तो रावी इस पोर्शन पे क्या है, इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर भी बना रही है, है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया। द रिवर राइज कहाँ करती है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में राइज करती है। अब जो पांचों रिवर हैं उसमें सबसे छोटी रिवर है, क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी रिवर कौन सी है, तो रावी है।
और फिर ये इंडिया पाक फिर जो है क्या होता है, इट फ्लोज अलॉन्ग द इंडो पाक बॉर्डर फॉर 80 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइन द चेनाब रिवर। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बॉर्डर में लगभग 80 किलोमीटर तक चलती है, उसके बाद ये पाकिस्तान चली जाती है। देखिए आप ये देखिए रावी नदी है ना, ये रावी नदी निकली हिमाचल प्रदेश से, तो क्या हुआ अगर क्वेश्चन आया कि रावी नदी किस किस इंडिया के किस किस स्टेट से होकर जाती है, तो क्या होगा आंसर, केवल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होकर डायरेक्टली ये पाकिस्तान में चली जाती है। और फिर देखिए क्या होता है, झेलम और चेनाब ये मिले, उसके बाद रावी क्या हुई, फिर ये चेनाब से आगे जाके मिल जाती है। तो आप ये रूल ध्यान रखिए कहाँ कहाँ मिल रही है, तो ये भी पाकिस्तान में जाके मिलती है। अब आता है बीस रिवर, दोस्तों बीस रिवर भी हिमालयाज में जो है राइज करती है, ओके फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में। और 20 क्या है, 20 जो है ये सतलज रिवर से मिलती है, कहाँ पे, पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। देखिए आप गौर करिए, देखिए ये 20 नदी आ रही है, ओके फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश, और ये सतलज नदी यहाँ से आ रही है। तो सतलज नदी और 20 नदी जो मिल रही हैं, किस जगह मिल रही हैं, पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में आके मिल रही हैं, तो इस पोर्शन पर आके मिलती हैं, और फिर ये आगे सतलज ही कहलाता है, और फिर सतलज बताया था मैंने चेनाब से आके मिल जाता है। किन कहाँ राइज करती है, जो रोहतांग पास कुल्लू में हिमाचल प्रदेश, बताया था मैंने आपको जब पास पढ़ा रहा था, तो वहाँ ये राइज करती है, और किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होके गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, आप सबको समझ में आ रहा है ना। अब आता है सतलज, सतलज इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द फाइव रिवर्स, जो पाकिस्तान जो पंजाब की पाँचों नदियाँ हैं, इंदस की जो पाँच बैंक ट्रिब्यूटरीज जो प्लेन में होकर गुजर रही हैं, तो सबसे बड़ी नदी जो सतलज है, ओके फ्रेंड्स, सबसे ईस्टर्न में आती है। अगर आप गौर करें ध्यान से, तो सबसे ईस्ट में, देखिए सबसे ईस्ट में कौन सी है दोस्तों, सतलज है। सतलज और इंदस ये दोनों हिमालय से नहीं निकल रही है, दोनों हम क्या निकल रही है, तिब्बतन प्लेट्यू से निकल रही है। इसीलिए इंदस नदी और सतलज नदी दोनों एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब कि हिमालय के पहले, हिमालय के बनने से पहले ही ये नदी फ्लो कर रही थी। तो कुछ इंदस और सतलज दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि एंटीसीडेंट रिवर है। अभी आता रहेगा तो बताते रहेंगे आपको, ओके फ्रेंड्स। सतलज कहाँ से निकल रहा है बताया, तिब्बत के में एक लेक है जिसका नाम है रक्षताल, वहाँ से निकल रहा है। उसके बाद ये इंडिया में कहाँ से आता है, शिपकीला पास जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से ये इंडिया में गुजरता है। तो किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और फिर सतलज क्या होता है, सतलज कंटिन्यूज इनटू पाकिस्तान पंजाब एंड ज्वाइंस द चेनाब रिवर एट उच नियर भावलपुर टू फॉर्म पंचनाद रिवर। जो सतलज जो है चेनाब से किस जगह मिलता है, पाकिस्तान का एक जगह का नाम है उच, जो कि भावलपुर पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, भावलपुर वहाँ मिलता है, बनता है, तो उसी पोजीशन पे आके ये मिलता है। देखिए ये देखिए यहाँ इस वाले पोजीशन में देखिए आप, यहाँ तो सतलज मिल रहा है चेनाब से उच्च डिस्ट्रिक्ट में, और फिर पंचनाद नदी मिलकर ये इंदस में मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, दो तो इंदस रिवर सिस्टम में दो एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल बताइए, तो इसका आंसर होगा इंदस और सतलज, क्योंकि ये दोनों तिब्बत प्लेटू से निकल रही हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ आया ना, देखिए इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज। दोस्तों जो आपके जो मल्टीपर्पज़ जो डैम वगैरह है ना, वह उसका एक अलग वीडियो लाऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइए, वो जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम इंडिया में, वो अलग अलग आ जाएगा। अब आता है इंदस वाटर ट्रीटी। देखिए इंदस वाटर ट्रीटी बेसिकली वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान में। इस ट्रीटी को कराची में साइन किया गया था 1960 में, जो कि साइन किया था हमारे जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन दोनों के बीच में साइन किया गया था, पाकिस्तान के इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो जितनी वेस्ट ईस्टर्न रिवर्स हैं, मतलब कि 20 सतलज रावी सतलज, इस पर जो कंट्रोल है वो इंडिया का रहेगा, मतलब मैक्सिमम वाटर का शेयर इंडिया को मिलेगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। और जितनी वेस्टर्न रिवर्स हैं इंदस, चेनाब और झेलम, इनका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान पे रहेगा। तो जितनी भी दोस्तों वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें केवल इंडिया 20% ही यूटिलाइज कर सकता है, बाकी पूरा पूरा 80% कौन यूटिलाइज करेगा, पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा। देखिए ये इंदस, झेलम और चेनाब जो दोनों वेस्टर्न रिवर्स हैं, इस पर कंट्रोल किसका है, पाकिस्तान का। और जितने तीनों ईस्टर्न रिवर, देखिए 20 सतलज और रावी, इस पर कंट्रोल किसका है, इंडिया का है, ये ध्यान रखिएगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। आप बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ओके। अब देखिए गंगा रिवर सिस्टम, देखिए अलकनंदा और भागीरथी ये जो दो नदियां हैं, जब मिलती हैं तो ये गंगा बनाती है। और कहाँ मिलती है, ये बेसिकली उत्तराखंड में जो देवप्रयाग एरिया है वहाँ पर आके ये मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अलकनंदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, नंदा देवी पीक जो है, कामेड पीक, ये मेरे हिमालय के रिवर्स हैं, ये नॉन एंटीसीडेंट है, मतलब कि हिमालय के बाद बनी है। ये नंदा देवी की जो बर्फ की चोटियां हैं वहाँ से निकलती हैं, और भागीरथी जो है ये गंगोत्री जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है।
ओके फ्रेंड्स, देखिए ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, दोनों मिलके क्या बना रही हैं, गंगा बना रही हैं देवप्रयाग पे। देखिए दोस्तों, ये मैप ध्यान रखिएगा, मैं पूरे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम में आपको पूरा गंगा का बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से पढ़िए, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा सारी नदियों का प्रवाह। देखिए गंगा रिवर सिस्टम, गंगा देखिए जो निकलती है फ्रेंड्स, वो बेसिकली गंगा नदी आते हैं अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है, फिर माउंटेन से जब बाहर आती है तो किस पॉइंट पे बाहर आती है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में क्या है, ये नदी माउंटेन से बाहर निकलती है, उसके बाद ये प्लेन में आती है, मतलब जो हमारा जो प्लेन है, जो बताया था ना आपको प्लेन माउंटेन के बाद प्लेन है, जैसे पूरा यूपी बिहार वगैरह, तो ये गंगा नदी जो प्लेन में आती है वो किस पॉइंट पे आती है, हरिद्वार, जो उत्तराखंड में हरिद्वार है वहाँ से ये प्लेन में आती है। ओके फ्रेंड्स, तो माउंटेन से नज़र कहाँ आती है, ऋषिकेश में, और फिर गंगा प्लेन में किस पॉइंट पे आती है, हरिद्वार पे। राम गंगा देखिए शुरू से देखिएगा, पूरे ट्रिब्यूटरी शुरू से पढ़ाऊंगा मैं कहाँ कौन सी है। राम बैंक सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, और राम गंगा जो है ये गंगा को किस पॉइंट पे ज्वाइन करती है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है। देखिए ये गंगा है फ्रेंड्स, गंगा देखिए ये गंगा है, तो राम गंगा जो है आपको ये दिख रहा है, देखिए राम गंगा ये देखिए राम गंगा ये है ना, ये राम गंगा किस पॉइंट पे ज्वाइन करती है दोस्तों, कन्नौज में ज्वाइन करती है राम गंगा। ओके फ्रेंड्स, गंगा को तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब लेफ्ट से आ रही है, आप देखें ध्यान से, गंगा है ये, गंगा है ये, गंगा है तो इसके लेफ्ट में है, गंगा के क्या है, लेफ्ट में राम गंगा है। ओके फ्रेंड्स, लक्ष्य थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक बार पढ़ना है बस आपको, बस एक ही बार पढ़ना है, इसके बाद बार बार वीडियोज नहीं देखिए, बार नोट्स पढ़ते रहेगा, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे फिर हमेशा के लिए सारे एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यमुना बैंक दोस्तों गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखिए ऑर्डर से चलेंगे हम लोग, पहले राम गंगा मिली, उसके बाद कौन मिलती है दोस्तों, यमुना मिलती है। यमुना देखिए गंगा के राइट में है। ओके फ्रेंड्स, गंगा जो है यमुना से जो मिलती है वो किस पॉइंट मिलती है, प्रयागराज, जिसको अब इलाहाबाद का नाम जो प्रयागराज हो गया है, वहाँ के त्रिवेणी संगम बनाती है गंगा और यमुना। ये देखिए यमुना कहाँ मिली दोस्तों, इलाहाबाद में मिल रही है, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। ओके फ्रेंड्स, और एक इनविजिबल मिरर मानी जाती है सरस्वती, बेसिकली वो कहाँ से है पता नहीं, लेकिन वो गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलके जो है इलाहाबाद में मिलती हैं, जहाँ पे कुंभ मेला भी होता है। देखिए यमुना जो है गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, अंत समझिएगा, लार्जेस्ट मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी वो ले जा रही है, तो उस मामले में ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और इंडिया की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। गंगा को मिलती है प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम में। प्रयागराज वही है जहाँ पे कुंभ मेला होता है हर 12 साल में, कुंभ मेला क्या है, हर 12 साल में होता है कुंभ मेला। और कहाँ कहाँ होता है, हरिद्वार में होता है गंगा नदी के पास, नासिक में होता है गोदावरी नदी के पास, और उज्जैन में होता है शिप्रा नदी के पास। यमुना के देखिए ट्रिब्यूटरीज में एक टोंट ट्रिब्यूटरी है जो कि यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। चंबल ट्रिब्यूटरी जो है सबसे लॉन्गेस्ट लंबी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। सिंध है, बेटवा हो, केन, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। कौन कौन सी सिटी जो है यमुना के पास आते हैं, देखिए यमुनानगर, दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा और प्रयागराज, ये सब जो है सिटीज़ जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि यमुना नदी के किनारे पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है कौन सा सिटी किस नदी के किनारे है। ये देखिए चंबल नदी, यमुना, यमुना है, देखिए यमुना है ना, दिख रहा है ना आपको यमुना, ये यमुना है, ये चंबल नदी आई, फिर बेटवा, ओके फ्रेंड्स, फिर केन बेसी आती है, तो ये सब जो है आती हैं। अब देखिए गंगा के बाद कौन सी नदी है, आप रिकॉल करिएगा, यमुना के बाद कौन सी नदी आके मिल रही है, यमुना इस पॉइंट में मिल गई। अब आ रही है दोस्तों गोमती, अब गोमती के बारे में पढ़ते हैं। गोमती जो है ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट से आ रही, ज्यादातर नदियाँ लेफ्ट में हैं, एक इंपॉर्टेंट नदी जो है राइट पे है वो यमुना है, और एक इंपॉर्टेंट नदी जो साउथ से आ रही है वो बताएंगे अभी, सोन नदी, वो अभी बता देंगे आपको दोस्तों। ये गंगा नदी निकलती कहाँ से है, बेसिकली गोमाग ताल है जिसका नाम फुलहर झील था, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है, तो वहाँ से निकलता है गंगा नदी, अरे वो गोमती नदी। गोमती नदी गंगा को मिलती है दोस्तों बनारस में। ओके फ्रेंड्स, गोमती नदी की एक इंपॉर्टेंट नदी है साई नदी, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, गोमती नदी की ही ट्रिब्यूटरी है साई नदी, जो कि गोमती नदी को जौनपुर में मिलती है। तो गोमती नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी दोस्तों है साई नदी, जो कि कहाँ मिलती है, जौनपुर, जौनपुर में मिलती है। जो इंपॉर्टेंट सिटी जो गोमती नदी किनारे हैं वो लखनऊ, काफ़ी एग्जाम पूछा गया है, लखीमपुर, सुल्तानपुर और जौनपुर। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आप, ये गोमती नदी है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ मिल रही है दोस्तों, बनारस में मिल रही है।
अब कौन सी नदी नदी है गोमती के बाद? घाघरा। घाघरा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए घाघरा जो है ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, प्लेटू से निकल रही, इसका मतलब ये भी दोस्तों कैसी नदी हुई? एंटीसीडेंट रिवर हुई, मतलब हिमालय से पहले की नदी है। गंगा जो है कहाँ मिलती है दोस्तों? ये घाघरा गंगा को पटना बिहार में मिलती है, वहाँ के मतलब पटना के पास मिलती है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा, ध्यान रखिएगा। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। देखिए यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी थी, लंबी ट्रिब्यूटरी तो यमुना है, लेकिन बड़ी ट्रिब्यूटरी में सेकंड नंबर पे थी। और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट मतलब जितना पानी है उसमें, वो घाघरा है। और सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की आफ्टर यमुना। तो यमुना सबसे लंबी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है? घाघरा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर में नंबर वन है। जब घाघरा नीचे आता है तो लोअर घाघरा जहाँ पर खत्म होने वाला था घाघरा, उसको बोलते हैं सरयू। जो मेजर सिटीज के पास है दोस्तों वो है अयोध्या। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये घाघरा है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए घाघरा कहाँ मिलती है? जब पटना के पास मिलती है। अब आता है दोस्तों सोन नदी। देखिए इसके बाद कौन सी नदी? सोन नदी। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी ये पूछता है कि गंगा नदी जो जा रही है इसमें ऑर्डर में बताइए कि कौन सी नदी ट्रिब्यूटरी पहले आके मिल रही है, तो ट्रिब्यूटरीज को ऑर्डर में लगाना होता है, तो ध्यान रखिए इसलिए मैं ऑर्डर से आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए सोन नदी, घाघरा के बाद कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। सोन नदी की खास बात है, काफी समय पूछा था कौन सी नदी जो साउथ से आती है, तो दोस्तों साउथ से जो नदी आती है गंगा में मिलती है वो है सोन नदी। सोन नदी जो है ये गंगा को मिलती है साउथ से। सोन नदी कहाँ निकलती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेटू, बता चुका हूँ मैं आपको, वहाँ से निकलती है ये गंगा को। लगभग पटना के पास मिलती है। किस किस स्टेट से होकर जाती है सोन नदी? मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड और बिहार। और देहरी और सोनभद्र ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि सोन नदी के किनारे बसे हुए हैं, दोनों दोस्तों बिहार में हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये सोन नदी है। अब सोन नदी की बात कौन सी नदी है बताइए? इसके बाद है गंडक नदी। क्या है दोस्तों? गंडक नदी। तो ये गंडक नदी ये भी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंगा को ये भी पटना भी ज्वाइन करती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? नेपाल में एक नुबिन हिमाल ग्लेशियर है, मतलब हिमालय के रिवर है, वहाँ से निकलती है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं जो कि गंडक के पास है, तो फ्रेंड्स वो हैं हाजीपुर बिहार, सोनपुर बिहार, पटना बिहार और मुजफ्फरपुर बिहार। ये चार इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, गंडक के बाद कौन सी नदी आ रही है? गंडक के बाद आ रही है कोसी नदी। कौन सी फ्रेंड्स आ रही है दोस्तों? कोसी नदी आ रही है। देखिए कोसी नदी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट में है। इसको नेपाल में सप्तकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सप्तकोश बोलते हैं। गंगा को कहाँ मिलती है दोस्तों? बिहार में एक कैटिहार डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ एक एरिया पड़ता है कुरसेला, वहीं ये गंगा को ज्वाइन करती है। कौन सी? कोसी नदी। तिब्बत से ही निकलती है, ध्यान रखिएगा। किस किस कंट्री में फ्लो करी? तिब्बत, नेपाल और इंडिया में फ्लो करती है। कोसी नदी को सौरव ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार का दुख, क्योंकि कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ बहुत आती है। कोसी नदी गंगा की थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है घाघरा और यमुना के बाद। घाघरा सबसे बड़ी है, उसके बाद यमुना है, उसके बाद कोसी है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए कोसी नदी। अब क्या होता है, इसके बाद ट्रिब्यूटरी नहीं मिलती है गंगा में। उसके बाद क्या होता है? गंगा टूटती है। गंगा क्या होती है? टूटती है। देखिए किस किन दो नदी में टूटती है बताएंगे आपको। देखिए हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इन द वेस्ट बंगाल। अब गंगा जब बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में आती है तो ये दो पार्ट में टूट जाती है। एक टूटती है पद्मा और एक टूटती है दोस्तों हुगली, इसको भागीरथी हुगली भी बोलते हैं। जो पद्मा नदी है वो चली जाती है दोस्तों बांग्लादेश में, और जो हुगली नदी है वो वेस्ट बंगाल में साउथ में चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो गंगा जो टूटती है वो पद्मा और हुगली में टूटती है। किस पॉइंट पर टूटती है? वेस्ट बंगाल है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर टूटती है। पद्मा चली जाती है बांग्लादेश में, हुगली चली जाती है बांग्लादेश के साउथ में। एक दोस्तों बना हुआ है मुर्शिदाबाद और फरक्का बैराज। फरक्का बैराज एक्चुअली क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग फरक्का बैराज क्या करता है, गंगा नदी का कुछ पानी कहाँ ले आता है दोस्तों? हुगली रिवर में, क्योंकि हुगली रिवर में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हुगली नदी का जो गंगा नदी का जो पानी है वो हुगली नदी में लाने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया है। इसको सौरव ऑफ बंगाल ही बोलते हैं हुगली नदी, क्योंकि वहाँ बंगाल में बाढ़ भी इसी वजह से आती है, ध्यान रखिएगा सौरव ऑफ बंगाल। मेजर सिटी जो है कोलकाता और हावड़ा है, जो कि हुगली नदी के किनारे है। अब देखिए जब बांग्लादेश में गंगा चली तो उसको बोलते हैं पद्मा। ओके फ्रेंड्स, पद्मा जो है ये फिर यमुना से मिले, पद्मा आ रही है यहाँ से आती है दोस्तों जमुना, ये पद्मा आ रही है यहाँ, ये जमुना। जमुना क्या है? जमुना जब बनाएंगे आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है ना वो कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी जमुना। तो जमुना से आके ये मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए
जमुना जो है जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो पद्मा उसे मिल जाती है। उसके बाद पद्मा और जमुना ये मिलते हैं, इसको हम दोस्तों कहते हैं। फिर ये पद्मा और जमुना जो है फिर नीचे आके दोस्तों मेघना नदी है। मेघना जो है ये ब्रह्मपुत्र की दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी उससे मिल जाती है। ओके, फिर पहले पद्मा और जमुना मिले, फिर ये आ गई मेघना नदी से। उसके बाद जो नदी फ्लो करती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना नदी उसके बाद कहलाती है और फिर ये मेघना नदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र, वो सुंदरबन डेल्टा में, ये देना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदर गंगा ब्रह्मपुत्र। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ओके फ्रेंड्स, ये पद्मा, ये देखिए हुगली चला गया, फिर पद्मा मिल के आ गई किससे, जमुना से। ओके फ्रेंड्स, फिर जमुना, फिर मेघना नदी आ गई, फिर ये बंगाल में गिर जाता है। इंपॉर्टेंट सिटी जो गंगा के पास है दोस्तों, ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, जाजमऊ, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, भागलपुर, फरक्का, मुर्शिदाबाद, प्लासी, नवदीप, कोलकाता, रांची, ये सब दोस्तों ये दोनों जो है बांग्लादेश में हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि गंगा नदी के पास बसे हुए हैं। आप लोग देखिए कि जो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों वो सुंदरबन डेल्टा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। वो जो मिसिसिपी डेल्टा है वो कई लोगों ने कहा था कि वो है, लेकिन ऐसा मतलब कई लोगों ने कहा था कि है, लेकिन आप जो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाए आपके एग्जाम में है तो क्या लिखिएगा आप लोग, सुंदरबन डेल्टा लिखिएगा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र से वेस्ट बंगाल में मिलता है। मिसिसिपी डेल्टा मत लिखिएगा, वो कई लोग कहते हैं कि हाँ वो है, लेकिन एक्चुअल में जो माना, जो वर्ल्ड ने माना वो क्या माना, वो माना सुंदरबन डेल्टा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और जो है जो बाकी के बचे टॉपिक हैं जैसे कि रिवर हैं ब्रह्मपुत्र और जो पेनिनसुला, वो हम अगले पार्ट में लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।